Okay, welcome back. তো আমরা দেখলাম এমপ্যাথি বলতে আমরা কি বলছি, অ্যাটিটিউড বলতে কি বলছি, এবং সিম্প্যাথি আর এমপ্যাথি ভেতর তফাৎ কি। অর্থাৎ সিম্প্যাথি হচ্ছে চুচু চুচু করা, লোকজনের কত দুঃখ হয়েছে, আর এমপ্যাথি হচ্ছে যে তার দুঃখটা দেখে তার জুতোয় নিজের পা গলিয়ে যতটা সম্ভব চেতনা তার অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল বাহির যেতে হিউম্যান আমরা একটু বসে যাই পিছনে হ্যাঁ অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল অ্যাজ আ হিউম্যান বিইং উই নিড টু ডু দিস and to help out a specific person out over there because as a human being we may face that same kind of a situation which what we have been facing what this kind of a people have been facing for so long right so that's the main part of empathy and during this tea break and during this break when I've been talking out with individuals sitting out over here everyone said that they had liked this what you so called this AB of empathy and everyone was so pleased with this AB of empathy So with that, I'll be taking a bit of a time with this part of empathy because as I said, the industry, I'll repeat my words, the industry we deal with and it's an industry which actually demands the concept of empathy. ये हम लोग को चाहिए कि एम्पैथी हम लोग एग्जिबिट करें हम लोग का जो डे टू डे वर्क है उसमें हम लोग को ये एग्जिबिट करना है किसी भी हालत में इसको एग्जिबिट करना है बिकॉज हर जॉब का हर काम का खुद का एक नेचर होता है जैसे मान लीजिए मेरा जो जॉब है ट्रेनिंग करना तो उसमें मेरा नेचर है कि मुझे महीना में 25 डेज ऑल ओवर ईस्ट एटलीस्ट और कभी कभी बॉम्बे दिल्ली भी ट्रैवल करना पड़ता है इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि भाई मैं ट्रैवल नहीं करूंगा मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा घर में मेरा बीवी है मेरा बच्चा है तो बोलेगा बंदा फिर आप फिर मेरा बॉस बोलेगा बंदा ये आप ये जो काम है बंदा ये आपके लिए नहीं है आप कोई दूसरा काम ढूंढ लो सिमिलरली हम लोग का जो एम्पैथी है हम लोग जो काम करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में उसमें हम लोग को एग्जिबिट करना है इसमें कोई हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है और मेरा हिसाब से काफी मैं खुद जानता हूँ क्योंकि मेरा जो दादा था वो बीएनआर कोरेन में काम करते थे बीएनआर हॉस्पिटल में एडमिटेड थे एंड विदाउट डाउट बीएनआर हॉस्पिटल आज के दिन में इज वन ऑफ द बेस्ट तो जोर से एक बार ताली खुद के हॉस्पिटल के लिए तो मैं कुछ और टाइम लूंगा आपका ये एम्पैथी के ऊपर बात करते हुए एम्पैथी Most customers to a hospital or chemist. आप would be patient. मैं ये slides हर point में बताऊंगा और मैं request करूंगा आप लोगों को देखने के लिए because ये कहीं ना कहीं इसमें मैं आप हम लोगों का relatives छुपे हुए हैं. मेरा हिंदी समझ में आ रहा है ना? Thanks. I can give you the compliment. Most customers to a hospital or chemist would be the patient themselves. जो hospital में जो बंदे आते हैं या फिर जो केमिस्ट शॉप में जो आते हैं या तो वो पेशेंट्स है या फिर पेशेंट का रिश्तेदार है रिलेटिव्स ऑफ सिक और क्रिटिकल पेशेंट्स या फिर जो बंदे वहां पे एडमिट है या तो उसका रिलेटिव है या जो बंदे एडमिट होने वाले हैं वो खुद है टेल्स अबाउट मेडिकल कंडीशन मेरा पता नहीं क्यों मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा अवॉइड करता हूँ आप लोग विश्वास करेंगे या नहीं मैं खुद का बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा अवॉइड करता हूँ हॉस्पिटल लेकिन ऊपर वाला तो ऐसे ही डंडा है बोलते हैं ना उसका बार में वार्ड नहीं होता है वो राजकुमार का एक बड़ा डायलॉग क्या था कि बंदा ना गोली से ना तलवार से ना गोलियों के बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ पर्वत निगार की वार से तो मेरा लिए भी वो काफी एप्लीकेबल है क्योंकि वार मेरे ऊपर काफी गिर चुका है टिल द ईयर ऑफ 2000 टू 2013 मेरे घर में कम से कम 7 से 8 ऑपरेशन हो चुके हैं 2000 आई हैव लॉस्ट माय फादर 2005 आई लॉस्ट माय ग्रैंडमदर 2013 मैंने अपना भाड़ा भाई वी आर वेरी क्लोज लॉस किया इसके अलावा मेरा मैं बता रहा था मेरा बीवी वुडलैंड से एडमिट था फॉर 17 डेज इन अ क्रिटिकल कंडीशन मेरा मम्मी एडमिट था पर 10 डेज तो पता नहीं वो ऊपर वाला का वार है हो गया कुछ कर्म किए होंगे मैंने तो कुछ भी विदाउट रीजन नहीं होता है तो मेरा कर्म शायद उतना ही बुरा है इसीलिए ऊपर वाला का डंडा काफी पड़ता है मेरा ऊपर और मैं सबसे ज्यादा जिंदगी में अवॉइड करता हूँ हॉस्पिटल्स लेकिन आना पड़ता है और अभी तो फिलहाल और भी आना पड़ता है पेट के लिए तो टेंस अबाउट मेडिकल कंडीशन मुझे पता नहीं
हो सकता है मेरा बात सुन के आपको मैं इतना ह्यूमरस टोन में बोल रहा हूँ, आपको हंसी रहा है, बट ऐसा होता है, सच होता है। टेंस अबाउट मेडिकल कंडीशन, बहुत डर लगता है हॉस्पिटल में आने से, पता नहीं क्यों। और जैसे जितना भी मैं मरीज को देखता हूँ, उससे ऊपर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको जल्दी घर भेज अपने रिलेटिव के पास। तो एम्पैथी इज रिक्वायर्ड ये सब बंदे के लिए। दूसरा, डीलिंग विद एन इमरजेंसी, मैनेजिंग अ सिक चाइल्ड, मैनेजिंग अ सिक चाइल्ड एंड डीलिंग विद एन इमरजेंसी। इमरजेंसी, अचानक घर में स्ट्रोक हो गया, आ चुका है, किडनी फेलियर हो गया, रेनल फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, सेरिब्रल स्ट्रोक हो गया, कुछ भी हो गया, आ चुका है। तो जो आया है उसको पता है कि उसका कितना दर्द हो रहा है। जो आदमी ओटी में रहता है ना, उसका प्रॉब्लम एक होता, मतलब उसका प्रॉब्लम एक तरह से होता है, और ओटी का बाहर जितना भी उसका परिवार वाले होता है ना, उसका प्रॉब्लम दूसरे तरह से होता है। ओटी का अंदर एक बंदा मरता है और ओटी का बाहर 10 बंदे मरते हैं। तो इसका साथ अगर आप एम्पैथी नहीं दिखाओगे तो किसके साथ दिखाओगे? योर एम्पैथी कैन मेक अ बिग 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 डिफरेंस। एक तो भालो कथा, एक तो हासि, एक प्रश्न को ले तार उत्तर दिए देवा, डिपार्टमेंट चिंते ना पाले ताके एके निये जावा, ताके मानुषेर मतो मानुषेर ट्रीटमेंट करा। मानुष कथाटार अर्थ होच्छे मान आर हुश, ट्रीटमेंट करा। देखुन, प्लीज बुझुन, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज एन ह्यूमन बीइंग वी आर ऑल इन टू आवर ड्यूटीज। एवरीवन मस्ट हैव सीन आमिर खान, राइट? है ना, आमिर खान को सबको मालूम है। आमिर खान का रोल आपका इसमें क्या था, जो ऑस्कर में के लिए गया था, क्या नाम था उसका, लगान में उसका रोल क्या था, क्या नाम था उसका रोल का, भुवन, उसमें उसका रोल क्या था, फार्मर, राइट? आमिर खान का रोल दिल चाहता में क्या था, प्लेबॉय, राइट? आमिर खान का रोल सरफरोश में क्या था, वो एक इंस्पेक्टर था, राइट? तो जब जो रोल में वो जाता है, वो रोल को इसीलिए वो आमिर खान है, परफेक्शनिस्ट है, जो रोल में जाता है उसी रोल में वो ऐड हो जाता है। थ्री इडियट्स में वो रैंचो है, कॉलेज बॉय है ना, सही है गलत? उसी तरह आप, हम जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग सब आमिर खान है। व्हाई? हम लोग सब डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। जब मैं अपना बीबी के पास रहता हूं तब मैं ट्रेनर नहीं हूं, एक हस्बैंड हूं जिसको पकड़ के जिसका बीवी काफी देता है, राइट? जब मैं मेरे बेटे के पास रहता हूं तो मैं उसका पापा हूं जो बोल दिया है आपको बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, आज यहां से जाने का पहले आपको मेटियाबुज में आपका घुटनी का सूता बहुत मतलब कम दाम में मिलता है, ज्यादा मिलता है, तो आपको वो एक लेके जाना है। जब मैं यहां पर हूं तो मैं ट्रेनर हूं, तो मुझे आज यहां पर 3-3.5 घंटे का एग्जीक्यूशन करना है, और यहां पर मैं इसीलिए के लिए आया। जब मैं दोस्त के पास रहता हूं तब मैं उन लोगों का दोस्तों मजाक करता हूं, यार मस्ती जो भी होता है दोस्तों के बीच वो होता है। यानी हम लोग सब अपने अपने जगह में अपने अपने रोल्स में है, और जो भी रोल करता हूं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं या जो भी हम लोग हैं यहाँ पे, जितने भी आदमी हम लोग हैं, वो रोल हम लोग परफेक्शनिस्ट के हिसाब से करते हैं। उसी तरह हर रोल का अपना एक डिमांड होता है। जो रोल में मैं काम करता हूं उसमें डिमांड है आपको ट्रैवल करना है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं डे आफ्टर डे 10 दिन 12 दिन होल नाइट ट्रेन में ट्रैवल करता हूं, सुबह जाता हूं 8 घंटा करके ट्रेनिंग करता हूं इसमें मैं, और जितना एनर्जी के साथ अभी कर रहा हूं उसी एनर्जी के साथ वहां पे करता हूं, क्योंकि वो मेरा रोल का डिमांड है। और अगर मैं वो नहीं करता हूं तो हो सकता है मैं उस रोल के लिए फिट नहीं हूं। प्लीज समझिए, जब मैं बीवी के पास जाता हूं तो उस रोल का डिमांड है, तो बीवी आप मुझे गाली देगा, मुझे सुनना है। अगर नहीं है तो हो सकता है मैं उस रोल के लिए फिट नहीं हूं। सेम वे हम लोग जिस रोल में है, आप लोग जिस रोल में है, जब लोग हम डॉक्टर रेड्डी से काम करते हैं तो मेरा डिमांड है, जब मैं किसी हॉस्पिटल में खड़ा होता हूं डॉक्टर रेड्डी का बिहाफ से, या फिर मैं किसी हॉस्पिटल किसी नर्सिंग होम में खड़ा होता हूं, या फिर किसी रिटेल आउटलेट में खड़ा होता हूं, तब उस रोल का डिमांड ऐसा होता है कि जहां पे दिखाना पड़ता है कि भैया मेरा एम्पैथी है। चाहे एक सवाल हो सकता है वो पार्टी कितना भी एक सवाल 10 बार करे 50 बार करे, बट मेरा ये रोल है उसको आंसर देना और उसको सेटिस्फाई करना। क्योंकि वो एक चीज याद रखना है कि हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पुलिस, वकील,
कोई पॉलिटिशियन कोई आदमी अपना मन से नहीं जाता, या तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी है इसीलिए वो जाता। स्माइल संजय दत्त जादू का झप्पी मुंह तो रखी, संजय दत्त जादू का झप्पी स्माइल। एमबीबीएस मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर इतना हिट हुआ था क्योंकि वो एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यार। पहले नाम लिखेगा सब कुछ करेगा, उसका बात अब तक तो पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं ऊपर चला जाएगा। स्माइल आशुन प्लीज आशुन अपना हाशिन अभी ऑब्वियसली हाशिन, पर जो पेशेंट के लिए कुछ जो संभव पर है प्लीज आशुन। देखिए यहाँ पे एक दिखा रहा है nursingtimes.net, ये अमेरिकन एक साइट है जहां से हम लोग इसको उठाए हैं, और ये कहता है कि अगर कस्टमर 50% ऑफ द कस्टमर ऐसे ठीक हो जाता है जब वो देखता है कि जो बंदा उसे डील कर रहा है वो हंसता है, वो हंसता है आपसे अच्छी तरह से बात करता है। मैं बताऊं मैं डॉक्टर का, देखिए मैं काफी सारे डॉक्टर्स को मीट करता हूं, मीट करना पड़ता है डॉक्टर ने डिस्क के लिए जाना पड़ता है, मैं ऐसा कुछ डॉक्टर्स जानता हूं जो बात ही नहीं करता है। आप उससे पूछोगे क्या हुआ है, फीस 500 है, मैं जिसके बारे में पूछ रहा हूं वो मेरा मदर है, मैं जिसके बारे में पूछ रहा हूं वो मेरा भाई है, मैं जिसके बारे में पूछ रहा हूं वो मेरा बेटा है। थोड़ा सा हंसने से क्या होगा है, आप डॉक्टर है भगवान के बाद आपको हम लोग देखते हैं, हंसी है थोड़ा प्लीज, पैसा नहीं लगता है हंसने। How can we build trust? कैसे आप ट्रस्ट बनाओगे, कैसे होगा कि विश्वास जो होता है कि ये विश्वास ऐसा होता है। मैं आपको डॉक्टर का नाम बताना चाहूंगा, देखिए नथिंग पर्सनल है, अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पीजी बांगूर में बैठता है डॉक्टर डॉक्टर गांगुली, प्रोफेसर है न्यूरोलॉजिस्ट का डॉक्टर गांगुली। मैंने जिंदगी में इतना अच्छा डॉक्टर आज तक नहीं देखा, मेरे लिए वो भगवान है। आप किसी भी वक्त किसी भी रात में गवर्नमेंट हॉस्पिटल पीजी और वो भी बांगू जाओ, he is always there। चंदन नगर में रहता है तो मैंने पूछा था सर आप ऐसे एक्सेप्शन के मतलब एक्सेप्शन कैसे बन गए, क्या गोली खाया, बोला नहीं मतलब ये सोचता हूं कि भैया ये जो यहाँ पे है ना बंदे लोग बैठे हुए हैं कल हो सकता है इसमें मैं भी, तो मैं मुझे अच्छा नहीं लगता करने। पता नहीं यहाँ पे ये शायद डायरेक्टली यहाँ पे जो लोग मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है, यानी जो डिस्पेंसरी में नहीं बैठते हैं या फिर मेडिसिन शॉप में नहीं बैठते उनके साथ शायद रिलेटेड नहीं होगा, पर जो लोग बैठते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ऑलवेज डिस्पेंस एज पर आरएक्स, जो प्रेस्क्रिप्शन है उस तरह से उसी के हिसाब से प्लीज डिस्पेंस कीजिए। वो माल वो प्रोडक्ट चाहे वो डॉक्टर रेड्डी का क्यों ना, उसमें अगर आपका मार्जिन नहीं है और डॉक्टर ने अगर वो नहीं लिखा है तो उसको प्लीज मत कीजिए। आपका एक मेडिसिन पेशेंट का जान जा सकता है। When out of stock suggests patient to take doctor approval for available company brand, अगर वो स्टॉक आपके पास नहीं है जैसे Amlodex 5 फिलहाल स्टॉक में नहीं है बिकॉज वो अभी गया हुआ है, वापस आएगा विद प्राइसलेस, उसका जो है प्राइस है उसको कम लेके, तो आप डॉक्टर से पूछ के उसका एग्रेसिव क्या खाना है लीजिए, आप खुद पर प्रिस्क्राइब मतलब मत कीजिए। यहाँ पे जो लोग हैं मतलब जो लोग डॉक्टर्स मतलब जो मेडिसिन शॉप पे पीपल हु आर नॉट सिटिंग इन द मेडिसिन शॉप्स आउट ऑफ हियर दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर देम, बट इन एनी केस एंड एनी चांस यू आर एक्चुअली और डायरेक्टली कनेक्टेड विद अ मेडिसिन शॉप प्लीज डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। इन केस इफ देयर इज अ मेडिसिन व्हिच इज आउट ऑफ द स्टॉक एंड यू नीड टू गिव दैट please ask the specific patient to talk with the doctors directly so that he can actually take the name of the specific medicine and have that medicine as per the doctor's choice, because one false medicine of your part
could actually ruin the life of that specific patient part, patient out over there. Sahi ya galat? When RX is not clear, call doctor to check back. Hota hai, kabhi kabhi doctor jaldi mein likhta hai, toh doctor handwriting padhna aise bhi kaafi difficult ho jata hai kabhi kabhi. Right? Toh agar aisa hota hai, toh please, aap doctor ko phone kar lijiye, pooch lijiye, sir, aapne kya likha hai yahan pe. हाँ ठीक है, अगर नहीं होता है उधर उसके भी अगर ऐसा होता है कि ऐसे होता है कि वहां पे आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो प्लीज व्हाट यू कैन डू इज प्लीज थोड़ा सा अगेन दिस इज पार्ट ऑफ एम्पैथी और ट्रस्ट, आप एक बार करोगे ना वो बंदा जिंदगी भर आपके पास आए और कुछ नहीं मतलब और कुछ नहीं होगा तो वो एटलीस्ट भगवान के पास आपके लिए दुआ तो कम से कम करेगा. मुझे पता नहीं आप लोग कितने आदमी यहाँ पे बांग्लादेश गए हैं, अगर कोई बांग्लादेश में आपका रिलेटिव है या फिर आपने ट्रैवल किया है ऐसा कुछ है तो आपको पता चलेगा. मैं बांग्लादेश में काफी देर 2 साल तक था, वहां पे एक कल्चर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. आप मान लीजिए मैं इनके पास जाता हूँ, सर हैंडशेक कीजिए मेरे साथ, हैंडशेक करता है, हैंडशेक ऐसे हैंडशेक करता है, करने के बाद बोलता है जब वो वापस चले आते हैं या मान लीजिए मुझे मतलब मुझसे मुलाकात करने के लिए आए थे, हो गया उसके बाद वापस चले जाते हैं, तो जाने के बाद ऐसे हैंडशेक करता है, हैंडशेक करने के बाद बोलता है हमारे जो एक दुआ कर ऊपर वाले के पास, आमा जो एक दुआ करो. कहीं ना कहीं आपका गुड काम, आपका गुड कर्म कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको लेके देगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. हो सकता है जिंदगी में कभी आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं होता है, नहीं होगा, लेकिन आदमी वही बोता है वही खाता है, जैसा सीड वो रोपण करता है उसी का फल उसको मिलता है. Your call can save a life. आपका एटीट्यूड, आपका एम्पैथी, आपका देखने का नजरिया कैन सेव अ लाइफ. एक चीज तो मुझे बीएनआर हॉस्पिटल के लिए बताना ही पड़ेगा. मैंने ऐसा बीएनआर हॉस्पिटल में देखे, शिशु मंगल में देखे, तो मुझे बताना ही पड़ेगा. बीएनआर हॉस्पिटल इज कंप्लीटली क्लीन, सिक्स पैक हॉस्पिटल कंपेयर टू अदर सिक्स पैक हॉस्पिटल. नहीं, मैं चाहता हूं इसके लिए जोरदार एक ताली हो, प्लीज जोरदार ताली हो. एकदम আমার মনে হয় এখানে সব লেখা আছে, হসপিটাল হোক যা হোক দেখে এলো মানসিক পেশেন্ট এমনি অনেকটা সুস্থ হয়ে যায়, সে কোথায় যাচ্ছে কোথায় থাকছে তার উপরে. সে যদি গিয়েই দেখে, আমি নাম নিচ্ছি না কোন কোন হসপিটালে, নাম নিলে মুশকিল, নাম নেব না, আমি এরকম দেখেছি পেশেন্ট মারা গেছে, এক্সপায়ার করে গেছে, সেই এক্সপায়ার করা বেডে যে চাদরটা ছিল সেই চাদরটা কোনো রকমে সরিয়ে দিয়ে পেশেন্টের বডির নিচে নতুন পেশেন্টকে সেই বেডে দেওয়া আছে. আমি অন্য লোকের জানি না যাকে করছেন, আমি যদি পেশেন্ট হতাম ওটা দেখে আমি নেক্সট ভদ্রলোকের পাশে আমি শুয়ে পড়ব. বেস কনফিডেন্স ইন কাস্টমার, আপনার কনফিডেন্স, আপনার কাস্টমার কো কনফিডেন্স দোগে. আর কনফিডেন্স আগর হ্যায় হো সকতা হ্যায় ও বন্দা আপসে কভি নেই মিলেগা, লেকিন অ্যাজ আই সেড কুছ নেই কর পায়া তো অ্যাটলিস্ট কম সে কম আপকে লিয়ে ও দুয়া করেগা. दूसरा, buying medicine becomes a relatively more pleasant experience. ये शायद जो यहाँ पे कोई अगर pharmacist है, मुझे पता नहीं pharmacist है कि नहीं, कोई pharmacist है यहाँ? बहुत सारे pharmacist हैं. Okay, अपना शब्द pharmacist. Okay, pharmacist, तो अपना बोल ले please correct कर दे. Buying medicine becomes a relatively more pleasant experience. At least एक तो हेशे दवा कथा बोला, नाम ने बोला South Calcutta Birat Hospital. আমি অন্তত 150-200 দোকান ঘুরেছি এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম করার জন্য. 200 দোকান এটা ফার্মেসিদের জন্য বলছি, অন্য কারোর জন্য নয়, ফার্মেসিদের জন্য বলছি. ওষুধ দেওয়ার সময় যা ব্যবহার তাতে মনে হয় বিনা পয়সায় ওষুধ দিচ্ছি. প্লিজ করবেন না, চেষ্টা করুন কালকে অন্যরকম করতে, কারণ আমার খুব অপারক হয়ে খুব ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনার দোকানে গেছি. তারপরে যদি আপনারা ব্যবহারটা একটু যদি একটু হাসুন, প্লিজ একটু হাসুন, হাসতে আমি জানি আমি আমি হাসি না আমার হাসি খারাপ বলে, কিন্তু আপনার তো হাসি ভালো, আপনারা প্লিজ একটু হাসুন, হেসে একটু দিন. গ্রেটার চান্স অফ অ্যাট্রাক্ট
get greater chance of attracting non-medical product. এমন কোন প্রোডাক্ট যেটা নন মেডিকেল যদি হয় চেষ্টা করুন সেটা তাকে না খেলা, যদি নিজে থেকে কিনলো অন্য ব্যাপার, যদি না হয় তাহলে দয়া করে তাকে সেটা খেলবেন না। হোম ডেলিভারি এটা তো আজকাল সবাই করে, ট্রাস্ট তৈরি করতে গেলে এটা মেইনলি এই সেকশনটা ফার্মেসিদের জন্য, অন্য কারোর জন্য নয়, এটা মেইনলি ফার্মেসিদের জন্য সেকশনটা। হোম ডেলিভারি ফর রেগুলার পেশেন্টস অন ক্রনিক মেডিটেশন, এটা আপনারা নিশ্চয়ই করেন, বলার দরকার নেই। প্রোটেক্টিং ফিউচার বিজনেস, ভবিষ্যতের ব্যবসাটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য এগুলো কিন্তু আলটিমেটলি কাজে লাগবে। একটা জিনিস যারা এখানে আপনারা বসে আছেন নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, আপনার সব মেরা সাথ এক চিজ এক সাথ বলোগে, আজ সে 10 সাল পেলে 10 years before, whatever the industry was, yani aapka industry 10 saal pehle jo tha, aaj 10 saal baad uska kaafi change ho chuka hai, haan ya na? Next 10 saal mein industry aur change hoga. Main aapko ek cheez batana chahunga, apna experience, aur jaise kyunki main doctor IT ka sab kaam kar raha hu, to mujhe bahut kuch seekhna bhi pad raha hai, aur main seekh bhi raha hu aap logon se aur dekh bhi raha hu. Aaj se 10 saal pehle 10 aadmi, ek aadmi ka paas mediclaim rehta tha, 10 साल बाद 10 आदमी में 8 आदमी के पास मेडिक्लेम रहता है, हाँ ना? चेंज होता है। आज से 10 साल पहले पेशेंट उतना आपका नॉलेजेबल नहीं था, आज से 10 साल बाद पेशेंट काफी नॉलेजेबल है, हाँ ना? तो अगर हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मुझे इसका नेगेटिव पार्ट लेना ही है, तो बेटर चेंज कीजिए। जो चेंज करता है, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे भी ये हम लोग का जिंदगी में भी एप्लीकेबल है। मैं आपको ये मान लीजिए, अभी भी मेरा अभी जो मेरा उम्र है, मैं 40 राइट, तो 40 में भी अगर मेरा मम्मी अभी भी मुझे कुछ बोलती है तो मैं चुप रहता हूँ। और मेरा लड़का तो उम्र है 10, लेकिन अगर उसको अच्छा नहीं लगता तो वो बोलता है कि पापा मुझे ये अच्छा नहीं लगा। चेंज ऑफ जेनरेशन गैप, यानी जैसे टाइम होता है आपको, मुझे कंप्यूटर मशीन समझने में 20 साल लग गया, मेरा लड़का जो है वो कंप्यूटर मशीन में इतना हैंडी है, इतना वो एक्सपर्ट है, या फिर इतना टेक सेवी है कि उसके लिए कंप्यूटर मशीन बहुत आसान है। गैप, चेंज ऑफ गैप, चेंज ऑफ जेनरेशन, यानी मुझे भी आज उसको सीखना पड़ रहा है, हाँ या ना? डेट टाइम ऑफ डिलीवरी कैन बी प्लान्ड इन एडवांस, आपका जो डेट है टाइम और डिलीवरी। और जो फार्मिस्ट है यहाँ पे, मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों, आप लोगों के लिए पार्टनर्स पार्टनर्स कस्टमर्स पार्टनर्स है, आप लोगों के लिए कस्टमर्स कौन है? आप लोगों के लिए कस्टमर्स, तो जो कस्टमर्स लेते हैं वो है, और एक बड़ा कस्टमर्स है। आप लोगों का दो तरह का कस्टमर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स। इंटरनल कस्टमर कौन है? इंटरनल कस्टमर जो फार्मिस्ट, मतलब जो लोग, जिन लोगों का दुकान है यहाँ पे, उनके लिए इंटरनल कस्टमर आपके लिए जो बंदा आपका दुकान में काम कर रहा है वो आपका कस्टमर है। अगर कल वो बंदा, मान लीजिए आपका बड़ा दुकान है, रनिंग दुकान है, और वो तीन बंदा आपके वहां पे काम कर रहे हैं, तीन बंदा नेक्स्ट 10 दिन नहीं आता है, आप दुकान चला पाओगे? यस नो? नहीं चला पाओगे। तो कम से कम इतना आप लोग देख लेना कि वो बंदा आपको छोड़ के ना जाए, चार नाम, पहला बात। दूसरा, और एक आपका, ये आपका इंटरनल कस्टमर हो गया, दूसरा हो गया एक्सक्यूज। मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे वैलिड रीजन है, और क्या रीजन है आप लोग समझ सकते। दूसरा, एक्सटर्नल कस्टमर्स आपका कौन है? एक्सटर्नल कस्टमर्स वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है जो आपके पास डेली आते हैं। यस नो? यस नो? ऐसा होता है, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं आता है तब भी आप उसको गाली देते हो, और जब आता है तब भी गाली देते हो, तो बेचारा बंदा करे तो क्या करे? जाएगा तब गाली खाएगा, नहीं जाएगा तब भी गाली खाएगा। जाएगा इसलिए गाली खाएगा क्योंकि भैया आप इस वक्त में आ गए जब कस्टमर है, और अगर नहीं जाएगा तब इसलिए गाली खाएगा, भाई आपका डिस्ट्रीब्यूटर माल ने माल तो मेरे पास ठेल दिया, लेकिन आपने डॉक्टर विजिट करके उसको प्रेस्क्रिप्शन नहीं बनाया, इसलिए आप गाली खा लो। सही या गलत? तो बंदा करे तो बेचारा क्या करे? फार्मेसिस्ट के लिए हैविंग
अ चेक ऑन नियर एक्सपायरी स्टॉक, जो स्टॉक आप लोग रखते हो कम से कम उसका चेक तो रखो। क्या होता है मैं बता, यहाँ पे जो लोग हैं वो करते हैं ऐसा, मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन ऐसा होता है राइट। कोई किसी को मतलब ये मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है आपका ऊपर या ऐसा कुछ नहीं है, मैं जनरल जनरल व्यू बता रहा हूँ। क्या होता है इसमें आप लोग का बैक ऑफ द माइंड तो ये रहता है कुछ हो चाहे ना हो भैया डिस्ट्रीब्यूटर जैसे एक्सपायरी डेट आ जाएगा मैं पकड़ कर डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में दे दूंगा और बिल से एडजस्ट करवा लूंगा। ब्रैकेट हो गया कुछ नहीं तो कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में दे दूंगा, बोलूंगा भैया आप शाम डिस्ट्रीब्यूटर हो ना, बोला हाँ बट ठीक है अगर तू एडजस्ट नहीं किया ना कल से कम दुकान के आसपास भी नहीं आना क्योंकि मैं राम डिस्ट्रीब्यूटर से ले लूंगा। आज ये चल रहा है ठीक है, हो सकता है कल ये ना हो, तो पहले है कि हम लोग थोड़ा खुद अपने आप को चेंज कर ले, सही है या गलत। दूसरा बात, आज एक माल आया सितंबर में एक माल आया और वही सेम माल मान लीजिए और सेम माल एमलोडक 5 एग्जांपल पर के तौर एक नाम ले लिया एमलोडक 5, एमलोडक 5 सितंबर में आया और उसका एक्सपायरी है 2014 में, एग्जांपल जस्ट एन एग्जांपल उदाहरण 2014 में, और एमलोडक 2013 में एक आया था उसका एक्सपायरी है सितंबर महीना में, मैं क्या उसका एक्सपायरी है दिसंबर महीना में, मैं क्या करता हूं जो एमलोडक 2013 में आया मैंने मतलब अभी आया उसको मैं क्या करता हूं पहले सेल कर देता हूं और जो पीछे आया था उसको मैं सेल नहीं करता, उसको मैं पकड़ के रखता हूं क्योंकि मेरा नॉलेज में है ही नहीं। अचानक आता है अरे बाप रे तो इसका एक्सपायरी होगा यहाँ पे तो कम से कम हिसाब करता हूँ और देखता हूँ अरे बाप रे यहाँ 5,000 रुपये का एमलोडक 5 है, अब इसको क्या करें क्या करें, है ना डिस्ट्रीब्यूटर बुलाओ उसको डिस्ट्रीब्यूटर आ जाओ और आप उसको हाथ में पकड़ा देते हो और डिस्ट्रीब्यूटर उसको लेकर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको लेके वो तो खुद अपने घर में रखेगा नहीं, वो किसको पकड़ेगा कंपनी को पकड़ा देगा। अल्टीमेटली ये चेन है, देखिए एक चीज समझिए आप नहीं ठीक रहोगे एज अ फार्मिस्ट, आप नहीं ठीक नहीं रहोगे तो हम लोग भी ठीक नहीं रहेंगे, आप ठीक रहोगे तो हम लोग भी यहाँ पे ठीक रहेंगे। यस मैम हेलो यस मैम हाँ मैम आई एम योर ट्रेनिंग मैम, इट्स ऑलरेडी 3 hours आई हैव स्टार्टेड द ट्रेनिंग मैम। রেগুলার স্টক চেক যারা করেন প্লিজ করুন, আমি বলছি না আপনারা করেন না, আমি আসার পর আপনারা ভাবলেন ওরে বাবা, আমি প্রথমেই বলেছি যে আমি यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा वाला ज्ञान का बड़ा वाला नॉलेज का बड़ा वाला बस्ता आपको नहीं दूंगा जिसको पकड़ के पैसे बेचते बेचते जाओगे, मैं सिर्फ आप लोग जो करते हो सिर्फ उसी को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको लगे सही है एक्सेप्ट कीजिए, नहीं लगे तो ठीक है। What build trust pharmacists দের জন্য, what build কিসের উপর বিশ্বাস করে, রামবাবুর কাছ থেকে মাল কিনতে হলে তাকে পয়সা দিয়ে ওষুধ কিনতে হবে, হ্যাঁ না হ্যাঁ না, শ্যামবাবুর কাছ থেকে গেলেও ওষুধ পয়সা দিয়ে কিনতে হবে, হ্যাঁ না, তাহলে দুজনের কাছ থেকে পয়সা দিয়ে কিনতে হবে, তাহলে এক্সেস কি, রামবাবু অনেক বেশি ভালো ব্যবহারটা ভালো, আমি আপনাকে উদাহরণ বলছি আমার ICICI ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে, আমার অ্যাক্সিস ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে, আমার ব্যাংক অফ বরোদার অ্যাকাউন্ট আছে, আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তিনটে ব্যাংকের মধ্যে ভেতর ইফ এনিওয়ান সেজ দ্যাট হুইচ ইজ দ্য বেস্ট ব্যাংক, দাদা মোবাইল ফোন থেকে বলে ধরলে হয় না থোড়া সা আমার জমা নেই নেই আর 20-25 মিনিটস ছোটো मेरा 3 अकाउंट है, अगर मुझसे कोई पूछे भैया आपका इसमें कौन सा अकाउंट कौन सा बैंक सबसे अच्छा सर्विस देता है, मैं बोलूंगा या तो एक्सिस या फिर ICICI, सबसे बुरा कौन देता है बैंक ऑफ बड़ौदा,
आप मेरे मम्मी को पूछो कि माता जी आपको कौन सा बैंक सबसे अच्छा देता है, मम्मी बोलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा? मम्मी को, मम्मी अगर 1,000 रुपया डिपोजिट करती है तो मम्मी क्यों, मम्मी को 2,000 वापस करती है, 3,000 वापस करती है? नहीं करती है। क्यों? इमोशनल बॉन्डिंग। मम्मी जाएगा, जैसे ही मम्मी जाएगा मम्मी को बोलेगा कि दीदी पायर बैठाटा मेरे से छेले की कोर्चे बोर्ड शादे की झगड़ा होलो नाती की कोमुक कोल आचे तो चा खान। अरे जाच्छेन केनो मशाई, ওই টুকুরি চলো হাঁটতে হবে কেন, আমি আপনাকে করিয়ে দিচ্ছি। এই চিজ আপ অ্যাক্সিস ব্যাংক পে যাওগে বলে কা স্যার হোয়াটস আপ, ইয়েস স্যার হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ, ওকে ফেয়ার এনাফ। মেরা মামি 65 ইয়ার্স ওল্ড, উনি তো সেই সময়ের লোক, আমি যেটাতে কমফর্টেবল উনি সেটাতে কমফর্টেবল নয়। ওনাকে আপনি যদি বলেন আপনাকে সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে উনি 9.5 ইন্টারেস্টে বলে, আপনি যদি কেউ বলে যে আপনাকে আমি 12% ইন্টারেস্ট দেবো, তাহলেও উনি ব্যাংক অফ বরোদা ছেড়ে যাবেন না। ট্রাস্ট, सही बोल रहा हूं या गलत? ट्रस्ट, ये ट्रस्ट आपको एज अ फार्मेसिस्ट उस कंपनी, वो जो बंदा आपका दुकान में आता है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक चीज इंस्टेंट बताऊंगा। देखिए आप लोग बताएंगे, आपका घर में कोई मेहमान आया और आपको कलकत्ता का सबसे बड़ा, मुंबई से आया आपको कलकत्ता का सबसे बड़ा रसगुल्ला खिलाना है, कहां से खिलाओगे? कहां से खिलाओगे? केसीदास चित्तरंजन, ओके केसीदास अथवा चित्तरंजन, यही है ना। मान लीजिए कल वो 1 करोड़ रुपया का आपका क्या बोलते हैं, सॉरी फिंगर पॉइंट बोलो, सॉरी कल मान लीजिए, वेरी सॉरी, कल मान लीजिए वो आपका 1,000 रुपया का मिठाई लेता है, 1 करोड़ का मिठाई लेता है, आपको कोई कमीशन मिलेगा सर? मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपने पाबेन सर? पाबेन ना। ता सत्व उन्नी बोलें, क्या बोलें, जो कस्टमर हम लोग के पास आता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं थ्योरी आपको दूंगा शायद किसी को नहीं मालूम, मतलब बहुत कम आदमी को मालूम है, जो ट्रेनिंग करता है उसको मालूम है, शायद कम जगह चलता है। हम लोग बोलते हैं ना कस्टमर, कस्टमर का 4 डिविजन होता है, एक आदमी ऐसा कस्टमर नहीं बनता है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोगों का काम आएगा। पहला होता है लीड, कस्टमर का बात, कस्टमर जो वर्ड होता है, वर्ड नहीं लिख के देता है यहाँ पे, कस्टमर जो होता है उसका 4 डिविजन होता है, 4 ब्रेकअप के बाद वो कस्टमर बनता है, कस्टमर ये वर्ड है। पहला वर्ड होता है लीड, लीड मतलब अगर मुझे क्रोसिन टैबलेट खरीदना है राइट, तो कम से कम मेरा जेब में 5 रुपया रहना पड़ेगा, उसी के बाद मैं दुकान में जाऊंगा और आप मुझे क्रोसिन दोगे, बिना पैसा तो नहीं दोगे, यस नो? यानी जब कोई पैरामीटर्स क्रॉस करता हूं तब मैं बनता हूं पहले लीड राइट। दूसरे बात, मैं क्रोसिन ले लिया, जैसे मैंने क्रोसिन ले लिया मैं आपका पहले बार आपका दुकान से क्रोसिन लिया, तो पहले मैं था लीड, दूसरे बार मैं हो गया क्लाइंट। जैसे पहले बार कोई चीज आपका दुकान से लेके यूज करता हूं तो मैं बन जाता हूं क्लाइंट। अरे लेने का बात पता चला, अरे यार क्या शामदा का क्या रिलेशन है, मिष्टि भावे कथा बोलें, कखनो कखनो हासें, বছরে একটা ক্যালেন্ডার দেন, বলেন দাদা বাড়িতে মালটা পৌঁছে দিয়ে আসবো, কষ্ট করে কেন এসছে, এই ভালো। পরের ওষুধটাও আমি আপনার দোকান থেকে কিনলাম, ইসকা বাদ বলা মেডিসিন মে আপনার দোকান সে খরিদতা, জেসে মে দুসরে বার আপনার দোকান সে খরিদতা হু, মে ক্যা বান জাতা হু, পহলে থা লিড, দুসরে বার হো গিয়া ক্লায়েন্ট, তিসরে বার, জেসে মে তিসরে বার খরিদতা হু, মে ক্যা হো জাতা হু, মে হো জাতা হু আপনার কাস্টমার। यानी आपका दुकान का साथ मेरा रिलेशन बढ़ रहा है, मैं आप ही का दुकान जाता हूँ, और मोहल्ला में और 3 मेडिसिन शॉप है, आपका दुकान में जाता हूँ, तो मैं बन जाता हूँ कस्टमर। कस्टमर का बाद मैं क्या होता हूँ, और फाइनल स्टेज हो जाता है मेरा घर में, जैसे दादा बोला, दादा वहां पे बोला, यहाँ पे बोले, यहाँ पे एक जन बोले कि मिठाई अगर लेना है तो केसीदास से लिए, उनको 5 पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन केसीदास का नाम बोला। क्यों बोला? बिकॉज दादा केसीदास का मिस्टी से इतना खुश है, वो इतना खुश है और इतना सेटिस्फाइड है, वो अभी कस्टमर को रेफर कर रहा है, जब वो रेफर कर रहा है तब वो बन जाता है एडवोकेट। एडवोकेट, एडवोकेट कैन बी गुड और बैड। खराब एडवोकेट, जिसका दुकान में जाना है दादा का दुकान में मत जाइए, पैसा भी लेता है खराब व्यवहार भी करता है, और ये अगर स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया